गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज शुरू करते हैं और एक नया व्लॉग और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस, आज मैं अपने पूरे व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से किचन में हम खाने पीने की चीजें बचा सकते हैं और हमारा जो बजट होता है ना किचन के लिए, हर महीने कुछ तो बजट होता है, तो उसे भी हम थोड़ा बहुत कट डाउन कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने मॉर्निंग का शुरुआत आज मैं करूंगी स्मूदी के साथ, क्योंकि अभी बहुत भूख लगी है, चाय पीने का टाइम है। पहले जब मैं ग्रोसरी करती थी ना, तो मुझे जो जो सारी चीजें पसंद आता था, मैं सारी चीजें जाती थी। बाद में वो खाना हो या ना हो, यूज हो या ना हो, वो डे बाय डे ऐसे पैकेट के अंदर रहता था। फिर कुछ दिन बाद उसमें कीड़े पड़ जाते थे। तो अभी से मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इस तरह के कुछ डब्बे लिए हैं जो कि 750 ml का। तो ये सारे डब्बे में जितना आएगा उतना ही ग्रोसरी मैं एक एक महीने के लिए लूंगी। 500 ग्राम का हर एक दाल का पैकेट या सूजी का पैकेट या ऐसे जो चीजें है, एक महीने तक आराम से डब्बे में रहेगा, वो सारे 500 ग्राम करके मैं ले रही हूँ, ताकि वो ज्यादा वेस्ट ना हो। सी, हम लोग इतना ज्यादा खाना पसंद नहीं करते, राइट? हम इंसान थोड़ा वैरायटीज खाना पसंद करते। अगर हम 1 किलो 1.5 किलो अगर दाल लाएंगे, तो वो एक ही दाल अगर एवरीडे आप खाएंगे, आपका मन नहीं करेगा। कुछ दिन बाद वो आप रख देंगे, 2 महीने तक वो दाल आप टच ही नहीं करेंगे। इससे अच्छा है कि 500 ग्राम करके 2-3 टाइप की दाल आप अपने घर में रखें, एवरी अल्टरनेटिव डे एक एक टाइप की दाल आप बनाए, खाए, एंजॉय करें। तो इस तरह से खाने पीने की चीजों में कीड़े भी नहीं लगेगा, वो वेस्ट भी नहीं होगा, और मुझे लगता है कि इससे हम अपने किचन का जो बजट है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। यहाँ पे शिफ्ट होने के कुछ दिनों के अंदर ही मैंने सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर लिया है। अभी जो भी जहाँ पे मुझे चाहिए वही वहां पे मुझे मिल जाता है। एटलीस्ट मुझे पता है कि जो चीज मुझे चाहिए वो मैं कहाँ पे रखी। कुछ दिन बाद ना ये सारी चीजें खराब हो जाते हैं मॉइस्चर डैमेज के कारण। अभी चल रहा है समर और अभी कुछ दिन बाद आने वाला है मानसून। तो समर और मानसून में प्रॉब्लम यही होता है कि जो भी सारी चीजें आप अच्छे से अरेंज करके, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, पर बंद करके रखो ना, वहां पे हो जाते हैं मॉइस्चर डैमेज। और उसके बाद अभी मैं यूज करती हूँ एब्जोर्बिया का मॉइस्चर एब्जॉर्बर, और इसके बारे में मुझे पहले पता नहीं था, मुझे किसी से पता चला और उसके बाद से मैं इसे यूज कर रही हूँ। और बिलीव मी गाइस, ये यूज करना इतना आसान है और उतना ही ध्यान से ये आपके सामान का ध्यान रखते हैं, मॉइस्चर डैमेज से कम्प्लीटली बचाते हैं। एब्जॉर्बिया एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो कि आपके बिलोंगिंग्स को डैम फ्री रखने में मदद करते हैं। ये अपने सराउंडिंग एक्सेस मॉइस्चर को सोक करते हैं एंड कलेक्ट इट एज वाटर, ताकि ये आपके बिलोंगिंग्स को डैमेज होने से प्रिवेंट कर पाए। और ये मॉइस्चर डैमेज का एक बहुत बड़ा इशू मेरे साथ मेरे लाइफ में हो चुका है, इसका एक्सपीरियंस है मुझे। मैं जैसे कि कई तरह के कैमरा और उसके लेंसेस यूज करती हूँ मेरे शूटिंग के पर्पज में ऑब्वियसली, तो एक मेरा बहुत ही महंगा लेंस खराब हो गया ये मॉइस्चर डैमेज के कारण। एंड बिलीव मी गाइस, उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा था। और उसके बाद हमने ड्राई बॉक्स ऑर्डर की, और ड्राई बॉक्स में वो सारे चीजें जो कैमरा और कैमरा के लिए जरूरी है, वो सारे चीजें लेंसेज वगैरह सब वहाँ पे रहता है, और उसका कॉस्ट है 14,000 rupees। उस टाइम में मुझे एब्जॉर्बिया के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ है जो कि मेरे ये सारे चीजों को डैमेज फ्री कर सके, मॉइस्चर डैमेज से बचा सके। तो उस टाइम में मुझे ये लेना पड़ा। एंड उस टाइम में सीरियसली मुझे अगर पता होता तो ये बजट फ्रेंडली भी है तो इसमें आ जाता, और मुझे इतना महंगा एक ड्राई बॉक्स लेना नहीं पड़ता। और एक बहुत अच्छी चीज है इस एब्जॉर्बिया का कि ये सिर्फ आपके बिलोंगिंग्स को मॉइस्चर डैमेज से नहीं बचाता, स्टोरेज के जो एयर है उसे भी प्यूरिफाई करने में मदद करता है। ये प्रोडक्ट एक हेल्दी होम एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, और 10 लाख से भी ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर है इनका। और ये एब्जॉर्बिया आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि वार्डरोब में, किचन के जो पैंट्री है वहां पे यूज कर सकते हैं, आप कपड़ों के साथ यूज कर सकते हैं, कोई भी स्टोरेज में यूज कर सकते हैं, कैमरा बैग में यूज कर सकते हैं, और 2-30 days तक ये लास्ट करता है। एंड येस, अगर आपको इसका परचेस लिंक चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मेंशन कर दूंगी, वो आप अपने हिसाब से आपकी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि आप ये पैकेट देख रहे हो, इसे मैं यूज करने वाली हूँ हैंगर में, जहाँ पे मेरे कपड़े सारे हैंग किए हुए रहते हैं, बिल्कुल वहां पे मैं यूज करने वाली हूँ। और ये जो आप पैकेट देख रहे हो, तो इसे मैं यूज करने वाली हूँ मेरे किचन पैंट्री में, जहाँ पे मैं ग्रोसरी परचेस करके रखती हूँ, स्टोर करके रखती हूँ वहां पे। और ये जो आप देख रहे हो, इसे मैं यूज करने वाली हूँ मेरे स्टोरेज में, जहाँ पे मेरे सारे बेडिंग रहते हैं, बेडिंग्स के वहां पे रखूंगी, अदरवाइज उसमें बहुत ज्यादा मतलब एक डैम का जो बदबू है ना वो आ जाता है। और ये जो एक छोटा सा क्यूट सा पाउच देख रहे हो, तो इसे मैं यूज करने वाली हूँ मेरे कार में, तो कार तो अभी आया नहीं, तो कार जब आ जाएगा तो कार में मैं यूज करूंगी। और ये सारे एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं अभी तो फिलहाल के लिए रख दूंगी, जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं एक एक करके इसे यूज करूंगी।
लेमन परचेस करते हैं ना, तो कई टाइम तक अगर फ्रिज में रहता है तो इसका जो जूस है वो ड्राई हो जाता है और इसमें से बहुत ही बुरा स्मेल आता है। तो लेमन को हम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी आपका टाइम भी बच जाएगा, कि बहुत सारे लेमन आप एक साथ परचेस कीजिए। करने के बाद इसका जूस बनाइए। जूस बनाने के बाद उसे ऐसे ही आइस क्यूब्स के जो मोल्ड आता है उसमें आइस क्यूब बना के रख लीजिए। उसके बाद जब भी आपको शिकंजी पीने का मन करेगा या तो लेमन जो जो सारी चीजों में आप यूज करना चाहते हैं तो वहां पे आप लेमन एक क्यूब डाल दीजिए, बस यूज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लेमन जूस को प्रॉपर यूज कर सकते हैं और उसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं। और लेमन के जो छिलके बच जाएगा ना, तो उस छिलके को गर्म पानी में अच्छे से बॉइल करके उस पानी को अगर आप पी सकते हो तो वो वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी बजे है दोपहर के 1:30, तो अभी हम लंच कंप्लीट कर लिए। तो लंच कंप्लीट करने के बाद हमें जहाँ पे जाना है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे, वो है यहाँ पे कुछ एरिया खाली खाली सा, जैसे कि इस एरिया में यहाँ पे मैं एक एरिका प्लांट लगाने वाली हूँ जो कि इंडोर भी होगा और दिखने में भी काफी अच्छा लगेगा। पूरे रूम में 2 एरिका प्लांट की मुझे जरूरत है और अमेज़न से मैंने कुछ छोटे छोटे प्लांट्स मंगवाए हैं जो कि वो जो स्पेस है वहाँ पे रहेगा, इस एरिया में रहेगा, अच्छा लगेगा दिखने में। तो यही है हमारा अभी तक का प्लान। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे वाजेस है जो कि खाली है और खाली दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम जाएंगे होम सेंटर और होम सेंटर से 6 फ्लावर स्टिक लाएंगे, बिल्कुल ऐसा, ये दिखने में भी काफी अच्छा लगता है। और होम डेकोर के लिए ना महंगा महंगा चीजें ये सब लाने की जरूरत नहीं है, बस वाज और जो रियल प्लांट्स है वो कॉर्नर कॉर्नर पे रख दो, वैसे ही खूबसूरत दिखेगा। तो चलिए चलते हैं। Here's to the good days, here's to the sorrows, this is a mistake, I know about tomorrow, I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no, just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to. Shipping के इतने सारे दौड़ भाग में इतने दिनों तक जैसे आपस में हम टाइम स्पेंड करना ही भूल गए थे, तो यहाँ पे स्टारबक्स दिखा है तो मित्र बोल रहा है चलो एक एक कप कॉफी पी लेते हैं ना, जो चलो एक्चुअली क्या होता है ना, कॉफी के नाम पे टाइम स्पेंड हो जाता है। 2 कप कॉफी तो वैसे हम घर में जाकर भी पी सकते हैं, हम दोनों जहाँ पर भी कॉफी शॉप मिले वहाँ पे ही बैठ जाते हैं और यही हमारा स्पेशलिटी है। ये सारे प्लांट्स लेके तो मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी, ऐसे बाइक पे चढ़ के जाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मिथुन जा रहे हैं बाइक पे और मैं यहाँ पे कैब बुक करके फिर जा रही हूँ। और हमारा जो कार है वो शायद परसों आ जाएगा, तो परसों आ जाने के बाद जो एरिका प्लांट्स है, जो बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं ना, वो लाऊंगी। पूरा प्लांट पर इसके नीचे का ट्रे नहीं दिया, तो ये अभी मैं कहाँ पे लगाऊंगी, ये या तो वो वाला मुझे बार काउंटर के बिल्कुल ऊपर लगाना है, देखो कितना खूबसूरत दिखेगा। ये दोनों में से कौन सा अच्छा दिख रहा है आप प्लीज बताना, क्योंकि कभी कभार कुछ चीजों में ऐसा होता है कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। मिथुन तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? मुझे दोनों मिला के जो कलर आ रहा है वो अच्छा लग रहा है। ये तो नहीं हो सकता इतने छोटे से काउंटर। हाँ ये यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, मतलब ये दिशा ठीक है ना। अच्छा मिथुन को मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, एक्चुअली मिथुन ऐसे मनी प्लांट को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, इसका दिशा के बारे में भी बहुत अच्छे से मालूम है, तो तुम सबको थोड़ा सा बताओगे कि कौन सी दिशा में मनी प्लांट रहने से रियली मनी बढ़ता है? ऐसा पता नहीं है मनी प्लांट रहने से मनी बढ़ता है कि नहीं। कहा जाता है कि वास्तु के लिए साउथ जो डायरेक्शन होता है वो शुभ डायरेक्शन होता है। ओके okay. ये भी मेरा साउथ कॉर्नर है और ये भी हमारा साउथ कॉर्नर है, तो इसलिए यहाँ पे रखा गया है, पर ये ट्रैवल करने की वजह से इसका हालत थोड़ा सा खराब है, अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ये भाई सब का हालत कैसा है? तो गाइस मैं बचपन से देखती आई हूँ कि मेरे नानी माँ हमेशा लौकी के जो छिलके उसे और आलू के जो छिलके उसे संभाल के रखते थे, क्योंकि उसे जब पील ऑफ करते थे ना तो उसके साथ कई ज्यादा लौकी और आलू निकल आता था, तो उसे ऐसे नहीं फेंकते थे, तो इसलिए कट करने से पहले अच्छे से क्लीन कर लेते थे। उसे क्या करते थे, फ्रिज में रख के जब उसे खाने का मन हो तो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में उसे कट करके ऑयल में फ्राई किया जाता है, वो भी ड्राई रेड चिली के साथ, और उसमें थोड़ा सा अगर पॉपी सीड्स दे देना तो इतना अच्छा टेस्ट आता है उसका, क्या बताओ। तो ये भी एक बहुत अच्छा डिश हो सकता है, आप एक स्टोरेज में इसे अच्छे से स्टोर करके रख दीजिएगा फ्रिज में, ये भी आप सब्जी की तरह यूज कर सकते हैं और दाल के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ चीजों की हमें जरूरत थी तो वो सारी चीजें लेने आ गए, तो जैसे आलू नहीं था और ये सारे, ये क्या है, नान चिप्स, नानपुरी जो होता है तो उसका ही चिप्स बना के दिया। Chisel all the memories, the venom and the remedies, yeah.
promise I won't forget. Yeah. Strong motive irukku solra neenga poi avan visarikka kuda maatinga bayam arasiyalvadi mela bayam. तो अभी तक हम देख रहे थे मारन मोर के एक मूवी, वो भी धनुष का, और धनुष मेरा बहुत ही फेवरेट एक्टर है। अभी बजे है 8 और अभी मैं बनाऊंगी मेरा डिनर। तो डिनर बनाने के लिए आज मैंने प्रिपेयर की है कुछ स्पेशल। आज बनेगा फ्राइड राइस। तो राइस ऑलरेडी रेडी है, मतलब जो कि नॉर्मल हम राइस खाते ना, बुलेट राइस, उसी मैं बना रही हूँ। और इसके साथ कुछ वेजिटेबल्स जो कि मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ, और हो सकता है मैं यहाँ पे एक भी ऐड करूँ तो एक फ्राइड राइस होगा। और उसके साथ उस दिन जो मैं मैरिनेट करके रखी थी ना, तो वही श्रिंप अभी मैं बनाऊंगी, तो हो जाएगा हमारा स्पेशल डिनर। ब्रेड खाती हूँ ना, तो ब्रेड का जो ब्राउन पार्ट्स है, वो पार्ट्स मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है, तो वो ब्राउन पार्ट्स मैं कट करके निकाल देती हूँ। तो निकालने के बाद उसे मैं वेस्ट नहीं करती, उसे थोड़ा सा रोस्ट करके, अगर आप चाहे तो माइक्रोवेव में भी रोस्ट कर सकते हैं, और अगर चाहे तो ऐसे तावा में भी रोस्ट कर सकते हैं। तो रोस्ट करने के बाद उसे ठंडा कर लीजिए, उसके बाद देखिए कितना क्रिस्पी हो जाता है। फिर उसे ब्लेंडर में ब्लेंड करके बिल्कुल ब्रेड क्रम जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। और उसके बाद उसे कोई भी कटलेट ये सारी चीजों में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रेड का अगर ब्राउन पार्ट आप नहीं खाते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसे आप जरूर यूज कीजिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा। That's why I wish you the best to say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know. ओरिएंडर लीव्स जो होता है वो सिर्फ पत्तियों में नहीं मिलता, वो थोड़ा सा ग्रीन डार्ट के साथ हमें मिलता है। तो मैं पहले क्या करती थी कि वो ग्रीन डार्ट का कट के फेंक देती थी, वो मैं यूज नहीं किया करती थी। उसके बाद मुझे लगा कि इसमें से काफी अच्छा ओरिएंडर लीव्स का खुशबू है वो आता है, तो इसे मैं वेस्ट क्यों कर रही हूँ। तो वो जो सॉफ्ट जो डार्ट है उसे मैं यूज नहीं करती, उसे कट करके मैं अलग से रख देती हूँ। जब भी ग्रीन करी बनाती हूँ, मतलब धनिया चिकन या धनिया फिश ऐसा कुछ चीजें बनाती हूँ, या तो चटनी बनाती हूँ, तो वहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें अभी यूज करती हूँ, उससे मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि वो सारी चीज जब आप कट करोगे तो इमीडिएटली आपको यूज करना पड़ेगा, आप उसे स्टोर करके रख दो। तो जब भी आपको ग्रीन चटनी या ग्रीन करी बनाने का मन करेगा तो उसमें यूज कर लेना। तो मैं भी आजकल ऐसे ही करती हूँ, पर जो मोटे मोटे डार्ट होते हैं ना, तो वो मैं काट के फेंक देती हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली यूज नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उसे मैं फेंक देती हूँ। पर सॉफ्ट जो पार्ट होता है उसमें यूज करती हूँ। तो खाना पीना हो चुका है गाइस, तो अभी चलते हैं सोने। तो हमारा बेडरूम भी बिल्कुल रेडी है। एक्चुअली ऑस्कर और आर्यन ना हर आधे घंटे में बेडरूम का हालत इतना खराब कर देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और डिनर के बाद मैं, अगर मूवी का थोड़ा बहुत पार्ट बाकी है तो वो पार्ट्स मैं देख लेती हूँ, उसके बाद ना बिल्कुल भी किसी और चीज में मन नहीं लगता, तो तब लगता है कि जल्दी से सो जाते हैं, बिकॉज सुबह उठने का भी एक जल्दी रहता है। सुबह 6:30 बजे ऑस्कर को वर्क करवाने आते, तो उससे पहले उठना होता है। और लास्ट कुछ दिनों से मेरा मिथुन का प्रॉब्लम जो हो रहा है वो है शायद बिजली वाटर की वजह से, बिकॉज ऐसा पेट का प्रॉब्लम तो पहले कभी नहीं हुआ था। कंटिन्यूअसली जब से हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं, कोलकाता में वो जो नया घर, वहां से हम बिजली का वाटर पी रहे हैं, तो उसके बाद से पता नहीं क्यों मुझे और मिथुन को बहुत ज्यादा पेट का प्रॉब्लम हो रहा है। अभी एक्वागार्ड ठीक हो चुका है, लास्ट 1.5 दिन से हम एक्वागार्ड का पानी पी रहे हैं। आई होप के 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो इसके कारण खाना पीना भी बहुत ज्यादा लाइट हो रहा है, अदरवाइज मेरे घर में आप देखते हो एवरी डे कुछ नया नया रेसिपी आपको मिलता था। खाना बनाने को ही मैं एंजॉय करती हूँ, और खाना खाना मतलब बाहर का खाना अवॉइड करके घर में अगर अच्छा अच्छा खाना बनाया जाए तो कितना अच्छा है। तो सुबह उठना है और अभी से नए एक रेसिपी के साथ उठते हैं कि नया रेसिपी क्या बनाया जाए। और वैसे भी बहुत दिन से कुछ अच्छा रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की, तो वो भी करना है। मेरा शील्ड। अच्छा तुम्हें कौन मारने आ रहा है? शील्ड। अच्छा ऑस्कर बेचारा वहाँ पे देखो सोया हुआ है, मेरा ऑस्कर बेटा। तो चलिए आज का वीडियो बस यही तक, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। I think I like it how it is.